मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम मुझे छोड़ने की बात भी नहीं सोच सकते। जानता हूं, लेकिन जितना मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच है, उतना ही सच मेरा और वरदान का रिश्ता भी है। ये ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था एज अ टोकन ऑफ लव, पर अब इस पर मेरा कोई हक नहीं। गुड बाय अप्पू। बकवास है ये, हाँ कोई खेल है ये तुम्हारे लिए? ये प्यार, ये रिश्ता, जब चाह प्यार किया, जब चाह कह दिया गुड बाय। नहीं मले, मैं तुम्हें अपने साथ ये खेल नहीं खेलने दूंगी। मैंने तुम्हें प्यार करने का हक दिया है, मेरा दिल तोड़ने का हक नहीं दिया मैंने तुम्हें। अप्पू तुम समझ नहीं रही। तुम समझो मले, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आओ मुझसे प्यार करो। तुम आए मेरे पास बार बार, दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। इस रिश्ते की शुरुआत तुमने की थी मले, शादी के बाद भी तुम आए मुझे अपना प्यार जताने, और आज एक बार मैंने अपना प्यार जताया, अपना हक जताया, तो तुम्हें तुम्हारे पति होने का फर्ज याद आ गया। ये सब कुछ इस वरदान का किया हुआ है ना, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। नहीं अप्पू, वो कुछ नहीं जानती, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। इसके बीच में वरदान कहीं नहीं है, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसी दर्द और तकलीफ से मैं भी गुजर रहा हूँ। अप्पू जितना प्यार मैंने तुमसे किया है शायद ही किसी और से किया, पर हमारे इस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं। मेरी शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। वरदान के साथ लिए सात फेरों ने मुझे एक ऐसे नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर तुम मेरे साथ नहीं हो। प्लीज अंडरस्टैंड अप्पू। भगवान प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ जोकर मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना। पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ए सरोजनी बिटिया, ए थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो
अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,